हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। दोस्तों, टाइप 12 में चौथा सम करने जा रहे हैं। बहुत ही पेशेंस के साथ इस सम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो उसी पेशेंस को हम बनाए रखेंगे पूरे सम में, ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया आई इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx। तो अब मैं क्या करूँगा, अब ये रूट के नीचे है ना जो, उसको मैं अलग से सॉल्व करूँगा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, आगे पता चल जाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, इसको मैं अलग से सॉल्व करूँगा, ठीक है। माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, और बचेगा क्या आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 2। ध्यान दो, देख लो आप, ऑब्जर्व कर लो कैसे कैसे आया। अब इसको हम लिखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हिसाब से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2x प्लस थर्ड टर्म माइनस 2 माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। जो कि थर्ड टर्म निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, जो कि है हाफ इंटू व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस 3 अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 4 16। ये है 16, और यही 16 आपको थर्ड टर्म की जगह पर डालना है। सो देयरफॉर आपका 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2x प्लस थर्ड टर्म 9 अपॉन 16 माइनस 2 माइनस 9 अपॉन 16, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन 4 द होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 16 टू द 32 माइनस 9 माइनस 32 माइनस 9 विच इज माइनस 41। ये हो जाएगा 41 अपॉन 16, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन 4 द होल स्क्वायर माइनस रूट 41 अपॉन 4 द होल स्क्वायर। सो देयरफॉर आपका 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर रखेंगे और देखो साइन अंदर भेजने के बाद क्या हल हो रहा है, ये रूट 41 वैसे का वैसे अपॉन 4 द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 4 द होल स्क्वायर। अब यही हम इसकी जगह पे डालेंगे, ठीक है। सो आपका आई हो जाएगा आपका रूट ऑफ, आई हो जाएगा आपका रूट ऑफ 2 इंटू रूट 41 अपॉन 4 द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 4 द होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। सो रूट 2 बाहर ले लेंगे हम, बाद में बचेगा क्या आपका, रूट ऑफ रूट 41 अपॉन 4 द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 4 द होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। ये किस फॉर्म का है, ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे खिचड़ी बहुत हो गया, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका रूट 2 ब्रैकेट में, इसके बाद x अपॉन 2, वॉट इज x, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 41 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 41 अपॉन 16 साइन इनवर्स ऑफ x by a, what is x, x minus 3 upon 4 upon a which is root 41 upon 4 plus c। so ये हो जाएगा root 2 bracket में cross multiply करो, ये हो जाएगा 4x minus 3 upon 4 to the 8 root of, अंदर ये root के अंदर भी solve करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 41 upon 16 minus, ये क्या हो जाएगा 4x minus 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 9 अपॉन 16,
plus 41 upon 16 sine inverse of, cross multiply karo, 4x minus 3 upon root of 41 plus c. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस के साथ आप सॉल्व करो इसको. ठीक है, अब आगे root 2, 4x minus 3 upon 8 root of, ये हो जाएगा 41 minus 16x square plus 24x minus 9 upon 16 plus 41 upon 16 sine inverse of 4x minus 3 upon root 41 plus c. अब आप root अंदर ले लो, ये हो जाएगा 4x minus 3 upon 4 root 2 root of, ये हो जाएगा 41 minus 9 which is 32, 32 minus 16x square plus 24x, ये root पूरा है, upon 16 plus, ये पूरा का term एक साथ यहाँ पे लिख दो. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x minus 3 upon 4 root 2 32. अब हाँ, 16 से थोड़ा divide करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 plus 3 upon 2x minus x square plus 41 upon 16 sine inverse of 4x minus 3 upon root 41. ठीक है, और ये plus c. अच्छा, इसमें एक चीज और है, फॉर्मूले में a square by 2 था तो यहाँ पे 2 लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 into 2 into. ठीक है, यहाँ पे 2 into. ठीक है, और यहाँ पे root अंदर भेजा हुआ था. So, ये हो जाएगा आपका finally 4x minus 3 upon 4 root 2, 4 root 2 root of 4 plus 3x minus 2x square plus 41 upon 16 root 2 sine inverse of 4x minus 3 upon root 41 plus c. So, दोस्तों, I hope आपको ये समझ में आया होगा मेरा वीडियो. So, कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. So, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. बाय बाय.